हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है मालदीव्स ट्रैवल व्लॉग पार्ट 3। और जिन्होंने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है, मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है। तो हमारे मॉर्निंग की शुरुआत होती है हमारे प्राइवेट बीच से। अभी हम लोग यहाँ पे बीच में इंजॉय कर रहे हैं और इसके बाद रेडी होके जाएंगे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आप लोगों को हमने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी ये बगीचा रेस्टोरेंट का दिखाया था और मील प्लान्स के बारे में भी बताया है। सो यहाँ पर सेम ही जगह पे हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हमने फुल बोर्ड मील लिया था जैसा आपको बताया हमने, और बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान्ड है। एक लोकल कुछ फेस्टिवल है तो उन लोगों ने कुछ डांस का प्रोग्राम रखा है जो हम लोग आगे जा कर के देखेंगे, और कुछ कुछ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सो जो हम लोग करने वाले हैं तो आप लोगों को बहुत डिटेल में हम लोग नहीं दिखाएंगे, बट जो भी मेन इवेंट्स है उसको हम लोग कैप्चर करके दिखाते हैं। सो अभी डांस एक्टिविटी जो लोकल लोगों की होने वाली है उसमें थोड़ा टाइम है, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा बहुत सी में जाके खुद ही इंजॉय कर ले। तो अभी हम लोग यहाँ पे पानी में आके थोड़ा बहुत ऐसे इंजॉय कर रहे थे। ये जो बोट है ये बहुत सी के अंदर है और इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग ऐसे ही पानी में थोड़ा बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अभी हम लोग जाएंगे इसके थोड़ा आगे इस साइड जहाँ पे पूरे आइलैंड का मैप है, आप देख पा रहे होंगे ये आइलैंड कितना छोटा है। और ये जहाँ पे मैंने अपना फिंगर रखा है लास्ट वाला, वो हमारा बीच रिजॉर्ट है। और इस साइड जो सामने हैमॉक दिख रहा है आपको, अभी हम लोग वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे भी बहुत मज़ा आएगा क्योंकि वो बहुत ही पानी में है और इस पे चढ़ना भी बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया। गाइज अभी हम लोग को जाना है वहाँ सामने, वहाँ पे लोकल डांस हो रहा है जैसे मैंने बताया था। सो लोकल डांस देख रहे हमने, और अभी हमें जाना है रूम और रेडी होके वापस यहाँ पे आना है क्योंकि हमने 2 लोकल एक्टिविटीज बुक करी थी। सो मिलते हैं आपको रेडी होके, बाय। सो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और अभी हमें जाना है, आपको वो सामने दिख रहा होगा पैरासेलिंग हो रही है, हमें वहाँ जाना है। हमारी वाटर एक्टिविटीज़ वहाँ होने वाली है। सो हमने 2 एक्टिविटीज़ बुक करी थी, पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग। सो हम लोग जा रहे हैं अपने लोकेशन पे। सो हम लोग यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए आए थे। यहाँ पर काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ होते हैं बट हमने सिर्फ 2 ही बुक किया था, जैसे पैरासेलिंग, विंड सर्फिंग, काइट सर्फिंग, जेट स्कीइंग, स्क्यूबा डाइविंग, अंडर वाटर वॉकिंग, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। बट ये एक्टिविटीज़ जनरली काफ़ी कॉस्टली होते हैं बिकॉज़ ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और इंडियंस के लिए स्पेशली ज़्यादा कॉस्टली है क्योंकि ये सारे US डॉलर्स में होते हैं। तो मोस्टली 200 to 300 डॉलर्स पर इवेंट और पर एक्टिविटी आपको पर पर्सन स्पेंड करना पड़ता है। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्लीमेंट्री इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं बट बाकी आपको ट्रेनिंग के लिए और एक्टिविटीज़ के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये भी एक्टिविटीज़ के लिए ही है, एक बोट जो आई थिंक विंड सर्फिंग के काम आता है। हमने वाटर एक्टिविटीज़ कर ली और ओ माय गॉड, द एक्सपीरियंस वाज वंडरफुल। इतना अच्छा लगा मेरे को कभी, मतलब मैंने कभी नहीं किया था, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, वो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है जैसे हमने बताया था कि पिछली वीडियो में, कि हम लोग प्राइवेट रेस्टोरेंट यहाँ जो है वहाँ का क्विजीन ट्राई करेंगे। तो अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। ये जो आप दूर में देख रहे हैं राइट साइड में, रुके अभी दिखेगा, ये तो नहीं है, हाँ वो जो राइट साइड में है ये एक्चुअली एक इटालियन रेस्टोरेंट है, अल त्रामोंतो नाम का। तो यहाँ पर आज हम लोग लंच के लिए जाएंगे
और यहाँ का आपको थोड़ा वाइब वगैरह भी दिखाएंगे। तो उसके पहले ये बीच में कुछ ऐसे डेक वगैरह, आई डोंट नो, शायद यहाँ पानी में उतरने के लिए। तो ये रहा इंटीरियर, और हम लोगों ने कुछ पिज़्ज़ा और कुछ और भी चीज़ें ऑर्डर की थी। तो इवनिंग व्यू काफ़ी अच्छा था, आफ्टरनून नॉट इवनिंग। उसके बाद लंच वंच करने के बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किए, जहाँ पर बहुत सारे वेव्स वगैरह आ रहे थे, क्योंकि ये एक्चुअली बीच नहीं है बट काफ़ी डीप है। बट इतना इतनी हवा चल रही थी और वेव्स आ रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था हमें। तो खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग इधर ही आ गए वापस से, जहाँ हमारा मेन सेंटर है स्विमिंग पूल का, यहाँ पर शैक पे बैठ करके हम लोग इवनिंग अपने एंजॉय कर रहे थे। सो थोड़ी देर यहाँ स्पेंड करने के बाद बगल में ही एक आरामू स्पा है, वहाँ हम लोग गए। यहाँ पे सोना, स्टीम बाथ, जकूजी और मसाज जैसी पेड सर्विसेज अवेलेबल है। आपको ये इतना नरिश करेगा आपके माइंड और बॉडी को, और ये बहुत अच्छी जगह में भी बनाया होता है। मतलब आपको जाके ही अंदर बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही सूद फील होगा। सो हम लोगों ने बहुत ही यहाँ पे गए, इंजॉय किया, पर हम लोगों ने सर्विसेज अवेल नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी ही प्री बुक थी। तो यहाँ के बाद हम लोग बाहर गए वापस, और थोड़ी बहुत शाम हो भी गई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऐसे सनसेट का दिख रहा था। इसके आगे हम लोग बीच के दूसरे साइड में गए थे, जहाँ पर एक्चुअली आप लोग वो दूर में राइट साइड में देख रहे हैं, वो एक्चुअली डेट नाइट के लिए, कैंडल लाइट डिनर के लिए ऑर्गेनाइज़ किया जाता है कपल्स के लिए। अगेन ये भी पेड सर्विस ही होता है, तो बट काफ़ी अच्छा लगता है। बीच के बगल में आपके लिए टेबल चेयर्स वगैरह लगाते हैं और कैंडल्स एंड लाइटिंग वगैरह करते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है अगर किन्हीं को करना है ऐसा स्पेशल डेट नाइट ऑर्गेनाइज़ करना है। और इसके आगे अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर एक आउटडोर जिम टाइप इन्होंने बनाया था वुडन का, एक्सकर्शन के लिए। तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, डंबल्स, फिर बेंच प्रेस, पुल अप करने के लिए। ये जो बाउंड्रीज आपको दिख रहा है रोप्स एंड वुडन का, तो इसके अंदर में ही पूरे बाउंड्री में वो जिम का सब कुछ बना हुआ है। तो हम लोग आपको थोड़ा सा उसके लिए भी दिखाते हैं। ये काफ़ी बीच से एकदम बिल्कुल ही सटा हुआ है और काफ़ी ओपन और डिफरेंट है, और सारी चीज़ें वुडन की है ना, यहाँ पे कोई मेटल है मेटलिक चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं हुई है, शायद हैंडल में यूज़ हुई होंगी। सो इसको हम लोग दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये सारे चीज़ें डिफरेंट वेट्स के लिए भी रखे हुए हैं, काफ़ी हेवी और काफ़ी लाइट वेट वाले भी हैं। और हाँ वो देखिए बेंच प्रेस है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं अगर आपको आउटडोर जिम करना है। और इसके अलावा एक इंडोर जिम भी है, एक्चुअली क्लब हाउस ही है इस आइलैंड का, जहाँ पर आपके पास खेलने के लिए टेबल टेनिस, इंडोर जिम और भी बहुत सारी जो नॉर्मल क्लब हाउस में चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी हैं। बट वो हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए क्योंकि वो जनरली मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में जैसे होती हैं उसी टाइप की चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंट नहीं थी। तो ये हम लोग यहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट जाएंगे डिनर करने के लिए, और ये वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। आप लोग जो भी है मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम लोग नेक्स्ट जो वाटर विला में हम लोग मूव किए थे वहाँ का वीडियो आप लोग को दिखाएंगे।